Hello, students. I am Dr. Minu from LBSM College, Karandi, Jamshedpur. In this video lecture, I am going to discuss about mechanical tissue system and their role to give plant flexibility and strength. So, continue with our lecture. First. Of all we uh, start with the definition mechanical tissues are the specialized uh, organized tissue which give support and strength to the plants uh, and their various organs is called mechanical tissue system haberentz termed the mechanical tissue as stero and the cells comprising them is स्टेराइड्स देन वी आर डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड पोजिशन ऑफ द मैकेनिकल टिश्यूज़ अब मैकेनिकल टिश्यू क्या होते हैं अगर ऐसे हम डिफाइन करेंगे तो मैकेनिकल टिश्यूज़ कुछ ऐसे स्पेशलाइज टिश्यूज़ हैं जो प्लांट को सपोर्ट और स्ट्रेंथ uh, प्रोवाइड करते हैं और उसके वेरियस ऑर्गन्स को भी वो सपोर्ट करते हैं और उसका शेप को डिफ़ाइन करते हैं uh, इस स्पेशलाइज टिश्यू को हम मैकेनिकल टिश्यू कहते हैं हेबरलैंड जो थे साइंटिस्ट उन्होंने पहली बार मैकेनिकल टिश्यू को नाम दिया था और खोजा था उसे कहा था स्टीरोम। और जो सेल्स जिन सेल्स से ये स्टीरोम बना हुआ था उन्हें स्टेराइड्स कहा था स्ट्रक्चर एंड पोजिशन की अगर बात करें तो द चीफ मैकेनिकल टिश्यूज आर कॉलन विथ थिक सेलुलोज वॉल्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीफ मैकेनिकल टिश्यू है वो कॉलनकाइमा है क्योंकि उसके पास में बहुत ही मोटा सेलुलोज का बना हुआ वॉल होता है उसके अलावा स्कलैरनकाइमेट जो फाइबर्स हैं वो भी मैकेनिकल टिश्यूज़ हैं बिकॉज दे आर हाईली लिग्निफाइड वॉल एंड पर्टिकुलरली इंटरलॉक्ड एंडस द स्लैरिट्स एंड मैसिव लिग्निफाइड वॉल जाइलम फाइबर्स बास्ट फाइबर्स एंड सिलीकियस एंड क्यूटिनाइज टिश्यूज़ ये सभी एक स्पेशलाइज टिश्यूज़ हैं जो कि परमानेंट टिश्यूज़ भी हैं जिसको हम लोग ऑलरेडी परमानेंट टिश्यू में डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में ये सभी मैकेनिकल टिश्यूज़ भी हैं और एज अ क्योंकि इनका फंक्शन एज अ मैकेनिकल टिश्यू है परफॉर्म करते हैं स्ट्रक्चर एंड पोजिशन ऑफ द सम इंपॉर्टेंट मैकेनिकल टिश्यूज़ आर गिवन एंड डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस जैसा कि मैंने बताया प्रीवियस परमानेंट टिश्यूज़ के डिफरेंट uh, वॉल्यूम्स के जो क्लासेस हैं प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें इनके स्ट्रक्चर और जो भी इनका नेचर है सारे कुछ के बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं तो मैं इनके स्ट्रक्चर को इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगी सो इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैकेनिकल टिश्यूज़ उनके डिफरेंट प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे और जो डिफरेंट प्रिंसिपल हैं बहुत सारे प्रिंसिपल्स पे ये बेस्ट है उसमें से कुछ हैं फर्स्ट इन फ्लेक्सिबिलिटी, इन एक्सटेंसिबिलिटी इन कंप्रेसिबिलिटी एंड शेयरिंग स्ट्रेसेस दीज आर द प्रिंसिपल ऑन विच द मैकेनिकल टिश्यूज़ आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैकेनिकल टिश्यूज़ आर बेस्ट अब अगर डिफरेंट मैकेनिकल टिश्यूज़ की बात करें तो पेरनकाइमा जो सेल्स होता है उसे हम लोग एग्जैक्टली मैकेनिकल टिश्यूज़ में नहीं रखते हैं क्योंकि ये इनमें सेल वॉल बहुत थिक नहीं होता है किसी किसी स्पेशलाइज केस्ट में होगा और ये जो स्ट्रेंथ देते हैं ये बिकॉज ऑफ अपनी टर्जिडिटी टर्जिड सेल की वजह से कुछ शेप को डिफाइन करते हैं तो बेसिकली जो मैकेनिकल टिश्यूज़ हैं दे आर कॉलनकाइमा स्क्रनकाइमा जाइलम एंड फ्लोएम स्क्लेरनकाइमा में फाइबर्स और स्क्लेरिड्स जो हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिकल टिश्यूज़ हैं और जाइलम और फ्लोएम के अंदर में जो डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं जो डिफ़रेंट कॉम्पोनेंट्स हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़ ये जो हैं वो सभी मैकेनिकल रोल प्ले करते हैं मैकेनिकल टिश्यूज़ के फंक्शन में अब आगे शुरू करते हैं डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ मैकेनिकल टिश्यू फर्स्ट इज़ इनफ्लेक्सिबिलिटी अब मैकेनिकल टिश्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वो मैकेनिकल टिश्यू कहलाते हैं दैट आर इनफ्लैक्सिबिलिटी मतलब मैकेनिकल टिश्यू जो होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्सीबल मतलब नहीं होना चाहिए इतना ज़्यादा फ्लैक्सीबल नहीं होना चाहिए कि वो बेंड हो सके अगर इसे हम समझने की कोशिश करते हैं तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं जैसे इफ़ अ लोड इज़ पुट एट द मिडिल पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट गर्डर

और एक गर्डर के बीच में यहाँ पर कोई एक लोड रखते हैं और लोड रखने के बाद में वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है तो ऊपर का जो लेयर है वहाँ पर कंप्रेशन लगेगा और नीचे जो होता है ऊपर और इसकी वजह से ये जो पूरा जो गर्डल है यहाँ पर भी कंप्रेशन दोनों फोर्स लगता है यहाँ पर टेंशन ऊपर कंप्रेशन और इसकी वजह से ये जो गर्डर है ये इस तरीके से बेंड हो जाता है तो अगर मैकेनिकल टिश्यू में ये बेंडिंग होने की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए अगर वो बेंड हो जाएगा तो, तो वो सपोर्ट प्लांट्स को नहीं दे पाएगा और प्लांट्स जो हैं वो टूट जाएंगे और आ, मर जाएंगे इसकी वजह से एक आई गर्डर की प्रॉपर्टी इन्वेंट हुई फर्स्ट टाइम और इसमें इस तरीके का एक स्ट्रक्चर था ऊपर जो आई है इसे कहते हैं फ्लैंजेस इसे कहेंगे फ्लैंजेस फ्लैंजेस और अपर एंड लोअर फ्लैंजेस और uh, ये फ्लैंजेस की वजह से और बीच में जो आई गर्डल इसे आई गर्डल कहते हैं आई गर्डल क्या होने से ये दोनों लेयर के बीच में इस तरीके से यूनिफॉर्म जो प्रेशर होता है ऊपर का जो लोड है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से क्या होगा कि जो लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ये जो फोर्स है कंप्रेशन और Uh, जो uh, ये स्ट्रेस है ये भी पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जिसकी वजह से ये उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है और मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट्स को फुली मिल पाता है तो इस तरीके से हमने आई गडल के कॉन्सेप्ट को समझा यहाँ देखिए इस स्ट्रक्चर में आई गडल बनाया है ऊपर uh, और नीचे का जो लेयर है दैट इज़ कॉल्ड फ्लैंजेस और बीच में जो इंटर कनेक्शन होता है उसे कहते हैं हम लोग वेब सो रिक्विशाइड मटेरियल शुड बी कंसनट्रेटेड

हियर द टॉप एंड बॉटम पोर्श आर कॉल्ड फ्लैज रियली आर रियली स्ट्रोंगर एंड द अपराइट मिडिल पोर्शन नोन एज वेब और अगर बहुत सारा कंपोजिट अगर वेब्स हों तो जो सेंट्रल पोर्शन होता है वहाँ पर स्ट्रेस जो है वो ज़ीरो होता है एंड कनेक्टिंग टू द टू फ्लैंज में बी मेड अप ऑफ लाइटर मेटेरियल्स इनफैक्ट वेब रिप्रेजेंट द न्यूट्रल लाइन और नल लाइन वेयर नो स्ट्रेंस ऑपरेट्स यहाँ पर जो सेंट्रल पोर्शन मैंने बताया ये नल लाइन है और यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का स्ट्रेस जो है वो ऑपरेट नहीं करता है स्ट्रेस फ्री जोन होता है जितना स्ट्रेस है ये दो फ्लैंड और वेब जो होते हैं वो ऐसे भी कर कर करके सारे जो स्ट्रेस है उसको होल्ड करते हैं नेक्स्ट इज इनएक्सटेंसिविलिटी द रूट्स एंड द अदर ऑर्गन विच अट्रैक्ट द प्लान्टू द सॉइल एंड अदर सब स्ट्रैटम सफ़र फ्राम द लॉन्गीडनल पुल टेंशन एंड रेडियल प्रेशर रूट जो हैं वो हमेशा फेस करते रहते हैं लॉन्गीटूडनल पुल को क्योंकि वो जमीन के नीचे रहते हैं उन्हें लंबाई में भी बढ़ना रहता है प्लस तो सारा सॉयल के पार्टिकल्स का टेंशन उनको एक्सर्ट करना उन पर एक्सर्ट होता रहता है और हर डायरेक्शन से होता है इसलिए वो रेडियल प्रेशर से भी सफ़र करते हैं मैकेनिकल टिश्यूज आर एडवाटेजियसली पुड द सेंट्रल रीजन इन द फॉर्म ऑफ कम्पैक्ट मास ऑफ इन दिज ऑर्गन्स तो ये क्या जो रूट के टिश्यूज हैं वो क्या करते हैं वो जितने मैकेनिकल टिश्यूज़ हैं उनका डिपोजिशन और ऑर्गेनाइजेशन अपने सेंट्रल कम्पैक्ट मास में कर लेते हैं सेंट्रल रीजन में करते हैं डिग्री ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मैकेनिकल एलिमेंट्स द रूट्स हैव मैकेनिकल टिश्यू एसोसिएटेड विद द वेस्कुलर एलिमेंट्स इनसाइड साइड द स्टील और रूट्स में जो मैकेनिकल टिश्यूज का काम कौन करता है उनके वेस्कुलर टिश्यूज़ करते हैं उन में जो एंडोडर्मिस लेयर के बाद में पेरिसाइकल लेयर है जाइलम एन फ्लोएम ये सभी मिल करके के रूट को वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं द अंडरग्राउंड राइजोम अगर राइजोम की बात करते हैं अंडरग्राउंड राइजोम की बात करते हैं तो दे हैव ऑल्सो सेंट्रली लोकेटेड हॉल एंड सॉलिड मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसमें एक से ज़्यादा बहुत सारे सॉलिड मैकेनिकल स्ट्रेंथ होते हैं जो मिल कर करके जस्ट लाइक अ बंडल ऑफ स्टिक्स के जैसा वो बिहेव करते हैं इन एक्वेटिक प्लांट्स अगर एक्वेटिक प्लांट्स में रूट की बात करें जहाँ पर बहुत ही मतलब इंफीरियरली डेवलप होता है रूट बहुत ही कम डेवलप होता है तो विच आर एडोप्टेड टू ग्रो इन अ रैपिड रनिंग वाटर फैमिलीबल एंड नेचुरली पोज़ेस मैकेनिकल टिश्यूज एट सेंट्रल रीजन अभी तक हमने देखा कि रूट में जितने भी मैकेनिकल टिश्यू हैं सेंट्रली ओरिएंटेड हैं द सेम प्रिंसिपल इज एप्लीकेटेड टू द इनफ्लोरसेंस एक्सिस एंड पेंडुलसू फ्रूट स्टॉक और सेम प्रिंसिपल जो इन्फ्लोरसेंस का जो एक्सिस होता है जिसमें पूरा इन्फ्लोरसेंस का जो सेंट्रल स्टॉक होता है वहाँ और पेंडुलस जो लटके हुए जो फ्रूट स्टॉक्स होते हैं जैसे आम वगैरह एक बड़ा स्टॉक में लटकता है आम का जो फल होता है उस तरीके के जो भी फ्रूट स्टॉक्स हैं उसमें भी सेंट्रली प्लेस्ड मैकेनिकल टिश्यूज़ पाए जाते हैं द स्टिल ट्रूट ऑफ द मेम्बर्स ऑफ ग्रास फैमिली अगर ग्रास फैमिली में स्टिल ट्रूट की बात करें जैसे मेज़ में हम लोग देख सकते हैं स्टिल ट्रूट और जो बैम्बू है उनमें भी देख सकते हैं हैव टू एनकाउंटर बोथ फ्लैक्शन फ्लैक्शन एंड लॉन्गिट्यूडनल पुल और दोनों ही तरीके से वो प्रिवेंट uh, करता है मैकेनिकल टिश्यूज़ uh, जो हैं उसके uh, किस किस चीज़ से बचाते हैं लॉन्गिटूडनल पुल से और फ्लैक्शन से सो हियर इज द एडिशन ऑफ एग्रीगेशन ऑफ मैकेनिकल टिश्यूज़ इन सेंट्रल रीजन फॉर्मिंग अ मैसिव स्टील एंड अ पेरीफेलर बैंड ऑल्सो कभी कभी स्टील के अलावा जो पेरिसाइकिल लेयर है वो भी स्क्लेरन काइमेटस हो जाता है तो वो एडिटिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है डिफरेंट टिश्यूज ऑफ रूट्स एंड इनफ्लोरेसेंस एक्सिस एंड पेंडुलस फ्रूट स्टॉक अब अगर बात करें इनकम्प्रेसिबिलिटी तो द एक्सिस ऑफ द स्प्रेडिंग ट्री विथ इट्स एरेज ऑफ ब्रांचेज एंड लीव्स हैज़ टू बीयर द वेट ऑफ द हैवी क्राउन विच मे बी कंपेयर्ड और पुटिंग द लोड ऑफ द टॉप ऑफ द सिलेंड्रिकल एक्सिस हियर द मैकेनिकल एक्सिस इज सब्जेक्टेड टू द लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन अब अगर हम लोग बात करते हैं तो एक ट्री का जो कैनोपी होता है ये अगर एक ट्री है तो इसका ये कैनोपी जो है ये कैनोपी का सारा वजन कैनोपी का सारा वजन ये इस डायरेक्शन में इसको कंप्रेस करता है पूरा जो है वो स्टेम पर लगता है तो स्टेम के कंप्रेशन का चांसेस बढ़ जाता है इसे बहुत ज़्यादा लोड को बेयर करना पड़ता है तो इस कंप्रेशन से बचने के लिए जो स्टेम uh, होता है ये इसमें ये प्रॉपर्टी हो, होती है कि ये कंप्रेस नहीं हो कितने भी मैकेनिकल फोर्सेस से तो इसलिए इसमें जो मैकेनिकल टिश्यूज होंगे उनमें जो प्रॉपर्टी होगी उसे कहते हैं इन ब्लेटी। तो इसके लिए क्या करेंगे ये द मैकेनिकल टिश्यूज आर इफेक्टिवली एग्रीगेटेड एट द सेंट्रल पोर्शन उसके लिए भी वो क्या करते हैं जितने मैकेनिकल टिश्यूज हैं वो सेंट्रल पोर्शन में एग्रीगेट हो जाएंगे यानी जमा हो जाएंगे एंड सर्व एज अ सॉलिड कॉलम फॉर विथ स्टैंडिंग द लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन और वो स्टेम के बीच वाला पोर्सन जो होता है स्टीलर रीजन और जो उसके पेरीफेरल जो रीजन होता है हाइपोडर्मेस और सारा उसमें वो ये एग्रीगेट होकर -कर करके और मैकेनिकल स्ट्रेंथ को वो प्रोवाइड करेंगे अब अगर हम बात करते हैं शेयरिंग स्ट्रेसिस की जो तो फ्लैट ऑर्गन्स लाइक लीव्स शेयरिंग स्ट्रेसिस हम लोग कहाँ देखते हैं इस्पेशली लीव्स में देखते हैं आर ऑफे सब्जेक्टेड टू द वायोलेंट शेयरिंग स्ट्रेसेस अब ये जो लीफ होते हैं बहुत ही वायोलेंटली शेयर करते हैं स्ट्रेसेस को क्योंकि विंड का जो ब्लो होता है जो विंड होता है उसकी वजह से और वाटर की वजह से उनमें हर आ, और ओ लेमिनेट होते हैं पतला पतले पतलेव्स होते हैं उनका लैमिना बहुत ही आ, थीन होता है तो उसकी वजह से उनमें फटने टीयर ऑफ होने के चांसेस होते हैं तो इससे बचने के लिए वे क्या करते हैं कि इनमें जो पी होता है उसको उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए वो आई गर्डल कॉन्सेप्ट काम करते हैं उनमें जो प्रिंसिपल लगता है वो आई गर्डल्स का लगता है और जो लैमिना है उसमें वो वेंस को स्प्रेड करके कर रखते हैं वेंस क्या होते हैं वेंस कंडक्टिव टिश्यूज़ के अलावा वो बहुत ही अच्छे मैकेनिकल uh, टिश्यूज़ भी हैं तो इस तरीके से इनका जो अरेंजमेंट होता है बहुत ही प्रोनाउंस होता है मोनोकॉट में भी और डायकॉट में भी मोनोकॉट में तो इक्वली बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है क्योंकि उनमें पैरल वेनेशन होता है और इसके अलावा डायकॉट में भी जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है उसमें भी वो शेयर को पूरा जो स्ट्रेस होता है उसे शेयर करने का काम करते हैं द मार्जिनस ऑफ द लीव्स आर पर्टिकुलरली एक्सपोज ऑफ शेयरिंग स्ट्रेसेस दे हैव स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंक्रीज थिकनेस ऑफ एपिडर्मिस और इसलिए वो क्या करते हैं मार्जिनस को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना अपने जो एपिडर्मिस है उसको बहुत ही थिक कर लेते हैं उसके नीचे कॉलिनकाइमेटस लेयर्स को डिपॉजिट कर लेते हैं कुछ टिश्यूज़ को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं कॉलिनकाइमेटस टिश्यूज़ को उसके अलावा उसमें थिक क्यूटिकल भी रखते हैं तो अगर हम लोग लीव्स की बात करें तो लीव्स में जो मिड वेन होता है ये तो हो गया पीटीओल रीजन ये हो गया मिड वेन मिड वेन में जो पूरा स्ट्रेस है वो चूँकि ये पूरा एंड फ्लोएम के अलावे ये मैकेनिकल टिश्यूज़ भी हैं जैसे कि हम लोग देख चुके हैं उसके फंक्शंस में पहले ही और अगर एक मोनोकोट लीव्स की बात करें तो इनमें पैरेलल वेनेशन होता है तो पैरेलल वेनेशन की वजह से भी ये पूरा जो स्ट्रेस है ये शेयर हो जाता है हर एक वेंस की तरफ और जिसकी वजह से ये जो स्ट्रेस स्ट्रेस होता है उसे वो शेयर uh, कर लेते हैं इन डाइकॉट स्टेम द मैकेनिकल टिश्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज द पेरीफेरल रीजन हेयर सो दैट दे अप्रोच द आई गर्डर्स इन द कंस्ट्रक्शन द वेब बींग मेड ऑफ पैरनकाइमा और अदर टिश्यूज द टिपिकल डाइकॉट लाइक सन फ्लावर पोजिस मैकेनिकल टिश्यूज इन हाइपोडर्मिज इन द रीजन ऑफ पेरिसाइकिल And in association with vascular tissues, where the large pith at the central region serves as the web. Thus, it resembles a group of composite eye girders. In a square stem of members of family Labiatae, like lunarus, extra patches of corenchyma occur at the four corners so that they appear like a diagonally placed eye girders. अब अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैकेनिकल टिश्यू इन डायकॉट की बात करें डईकॉट में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन पेरीफेरल रीजन में होता है मैकेनिकल टिश्यू और वे आई गर्डल बनाते हैं आई गर्डर्स का कंस्ट्रक्शन बनाते हैं और बीच में जो वेब होता है वो पैरनकमेटस टिश्यूज़ का बना हुआ होता है तो आई गर्डर्स वाले जो फेलेंजेस वाले जो रीज़न हैं जो कि बॉर्डर वाले रीजन में और जितने भी ये वेस्कुलर बंडल है इसमें हम लोग जो फ्लोएम पैरनकाइमा वाला जो पार्ट है इसमें हम लोग देख सकते हैं सभी मिलकर आई गर्डर्स बनाते हैं और वो स्क्लेरनकाइमा या कोरनकाइमा का बना हुआ होता है और जो इसका वेब वाला रीजन है वो पैरनकाइमेटिस टिश्यूज़ का बना हुआ होता है और अगर हम लोग डाइकॉट की बात करें तो मैकेनिकल टिश्यू का डिस्ट्रीब्यूशन हाइपोडर्मिस रीजन में पेरिसाइकिल और वेस्कुलर टिश्यूज़ में होता है पिथ रीजन जो होता है सेंट्रल पिथ रीजन वो सेंट्रल वेव रीजन का काम करता है जहाँ पर कि जो स्ट्रेस है वो ज़ीरो होता है मतलब तो नल स्ट्रेस रीजन होता है दस इट इजम्बल्स अ ग्रुप ऑफ कंपोजिट आई गर्डर्स तो जितने भी डाइकॉट स्टेम्स हैं उसमें कंपोजिट आई गर्डर्स का जो मॉडल है वो उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और किसी किसी में ये सर्कुलर नहीं डिस्ट्रीब्यूट होकर के डाइगोनली प्लेस्ड आई गर्डर्स होते हैं जिसमें डायगोनल मीन्स जो फोर कॉर्नर हैं उस पर फैलेंजेस रीजन्स प्रजेंट होंगे बीच का जो पोर्शन है वो पिथ वाला रीज़न होता है जहाँ पर नल स्ट्रेस होगा और बाकी डायगोनली प्लेस होते हैं इस तरीके से डाइकॉट जो टिश्यूज़ हैं उसमें पेरीफेरल फैलेंजेस और आई गर्डर्स वाला मॉडल जो है वो यहाँ पर एक्ट करता है अब अगर मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट में जैसे मेज हो गए या और भी बहुत सारे ग्रासेस इस, इसके अंदर आते हैं तो इज इस प्रेजेंट काइमा इसमें प्रेजेंट होता है एज अ बैंड इन हाइपोडर्मल रीजन अब स्क्लेरनकाइमाटिस सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं हाइपोडर्मल रीजन में बैंड की जैसे प्रेजेंट होते हैं हाइपोडर्मल रीजन कहाँ होगा जस्ट एपिडर्मिस से बिलो बिलो द एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस आर प्रेजेंट एंड दे आर स्क्राइमेटर शीत वहाँ पर स्क्लेन क्लाइमेटर शीत होगा और वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड भी स्क्लेन क्लाइमेटर शीत होगा ताकि वो और ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके टूअर्ड्स एंड दे आर मोर क्राउडेड टूअर्ड्स द पेरीफेरी और जो वेस्कुलर बंडल हैं वो देख सक रहे हैं आप इस डाइग्राम में कि किनारे की तरफ इस रीजन में बहुत सारे वेस्कुलर बंडल्स ज़्यादा प्रेजेंट है बनस्पत जो सेंट्रल रीजन है सारे पेरीफेरल रीजन्स में अरेंज होते हैं सब मेंबर्स ऑफ सेज फैमिली साइपरेसी पोजेज पैचेज ऑफ मैकेनिकल टिश्यूट जस्ट इंटरनल टू द एपिडर्मीज कॉरस्पेंस टू सेमील्यूनर पैचेस यहाँ हम लोग देख सकते हैं इस तरीके के सेमील्यूनर पैचेस के फॉर्म में ये जो गर्डर्स है और मैकेनिकल टिश्यूज हैं वो प्रजेंट हैं एंड लोअर साइड ऑफ द वेस्कुलर बंडल्स द टू पैच कंस्टीट्यूट द फ्लेंजेस ऑफ ए गर्डर और ये जो इनका जो मैकेनिकल टिश्यूज है उसमें भी सेंट्रल uh, पोर्शन में जाइलम और पेरीफेरल पोर्शन में फ्लोएम प्रेजेंट है और ये इस तरीके से आई गर्डर का जो फेनोमेना है उस पर काम करता है द सेंट्रल पोर्शन बींग हॉलो एंड हॉलो विच इज़ अ वेब ये वेब पोर्शन है हॉलो वाला द वेस्कुलर बंडल्स विच एसोसिएटेड मैकेनिकल टिश्यू कंपोजिट कंस्टिट्यूट कंपोजिट आई गर्डर्स और ये भी जो है ये फेनोमेना कंपोजिट आई गर्डर्स का है जहाँ पर सेंट्रल पोर्शन पीथ रीजन में इसका जो स्ट्रेस है वो जीरो है इन मोनोकोडिलिडॉन्स एज इन अनियन फैमिली लिलियसी द वेस्कुलर बंडल्स रिमेंस मीनस कंप्लीटली एम्बेडेड अब इसमें जो लिलियसी फैमिली होता है वेस्कुलर बंडल्स जो है पूरा हाइपोडर्मल रीजन में एम्बेडेड होते हैं अब अगर मैकेनिकल टिश्यूज़ के डिस्ट्रीब्यूशन को रूट राइज राइजोम्स और स्टॉक में आ, में स्ट्रक्चर की बात करें उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो मैकेनिकल टिश्यू डेवलप इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल सिलेंडर ऑफ वेस्कुलर एलिमेंट हम लोग जानते हैं रूट में वो सेंट्रल सिलेंडर के फॉर्म में अपेयर होता है सच अरेंजमेंट इज एडवांटेजियस एज दिज ऑर्गन सफर फ्रॉम लॉन्गिटूडिनल पुल एंड टेंशन और ये जो अरेंजमेंट है ये लॉन्गिटूडिनल पुल और जो टेंशन होता है रेडियल टेंशन उसे प्रिवेंट करता है रूट्स को इन प्रॉप रूट्स एंड स्टील रूट्स आर सब्जेक्टेड टू अनयूजल फ्लैक्शन फ्लैक्सेशन एंड लॉन्गिट्यूडनल पुल और हम लोग प्रॉप रूट में भी इस तरीके का फ्लैक्शेशन एंड लॉन्गिट्यूडनल पुल देख सकते हैं तो सभी का डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स यहाँ पर राइजॉइट्स राइजोम्स और प्रॉप रूट्स स्टील रूट्स का दिखाया गया है दीज रूट्स डेयर फॉर डेवलप पेरीफेर बैंड्स ऑफ स्क्लेर एंड क्मा यहाँ हम लोग देख सकते हैं साइड में पूरा स्कलैरन काइमेटस बैंड है एंड इन एडिशन टू सेंट्रल वेस्कुलर सिलेंडर दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैकेनिकल टिश्यू इनेबल द रूट टू रेसिस स्टैंड बाई एवरी शॉर्ट और स्कलरन काइमेटिस uh, जो बंडल है पूरा इसका ट्रांसफ्यूजिंग टिश्यू का ये इसको बहुत ही uh, मजबूत बनाता है और असिस्ट uh, करता है वेस्कुलर टिश्यूज को टू गिव द मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द रूट अब अगर लीव्स में मैकेनिकल uh, डिश्यूज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो लीव्स आर डोर्सी वेंट्रल सिमेट्रिकल और डॉर्सी वेंट्रल सिमेट्रिकल एंड फ्लैट एंड ऑर्गन होते हैं प्लांट्स के और उनके पास में सिलेंड्रिकल पीटी होता है द पीटी ओल्स देयर फॉर सफर कंप्रेशन ऑन द अपर सरफेस एंड टेंशन ऑन द लोअर सरफेस पीटीओल का अपर सर्फेस पर टेंशन कंप्रेशन लगता है और लोअर सरफेस पे टेंशन लगता है दस द टिश्यू टिश्यूज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पीटीओल्स ऑन द आई गर्डर्स तो जो पीटीओल वाला रीजन है उसमें जो मैकेनिकल टिश्यूज हैं वो आई गर्डर के कॉन्सेप्ट काम करते हैं जिस तरीके से हम देख सकते हैं ये पेरनकाइमेटस रीजन होगा और इधर में स्क्लेरनकाइमेटस या कॉलेनकाइमेटस रीजनस प्रेजेंट होता है जो एस जो आई गर्डर का फॉर्मेशन करेगा इन द रीजन ऑफ पेरी दे दूजली डेवलप कॉलनकाइमेटस और स्किलन क्लाइमेटस हाइपोडर्मिज इन एडिशन टू वेस्कुलर सिलेंडर अब पी के जो हाइपोडर्मिस रीज़न है उसमें स्कूलन काइमेटस और कॉलिन काइमेटस टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं विथ एडिशन ऑफ वेस्कुलर सिलेंडर वेस्कुलर सिलेंडर के अलावे, द लीफ लेमिना आर फ्लैट ऑर्गनस अब लैमिना तो फ्लैट ऑर्गन है दे आर सब्जेक्ट टू द वायोलेंट शेयरिंग स्ट्रेस और जो लेमिना है उसमें हम लोग वायोलेंट शेयरिंग स्ट्रेस देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर टीयरिंग स्ट्रेस होता है बिकॉज ऑफ हाई विंड प्रेशर एंड फॉर प्रेशर ऑफ रनिंग वॉटर द विंड करेंट्स वर्क एट द राइट एंगल्स ट्रू द सर्फेस ऑफ द लीफ जो कि लीफ के सर्फेस के टेंजेंशियली वो फोर्स लगाता है द लीफ फेस दिस इफेक्ट बाय डेवलपिंग क्यूटिनाइज आउटर वॉल ऑफ द एपिडर्मिज मल्टीलेयर्ड एपिडर्मिस और थिक वॉल्ड हाइपोडर्मिज फॉर एग्जाम्पल पाइनस एंड नेरियम अब लीफ इसको ये जो प्रेशर होता है वाटर का प्रेशर और विंड का प्रेशर को कैसे टॉलरेट करता है वो एपिडर्मिस को अपने मल्टी लेयर्ड कर देता है और थिक वर्ल्ड हाइपोडर्मिस उसमें रहता है और उसके अलावा क्यूटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं इन सम ग्रासेस द पैचेज ऑफ थिक वर्ल्ड मैकेनिकल टिश्यूज डेवलप बिलो द अपर एपिडर्मिज एंड लोअर एपिडर्मिस सराउंडिंग द वेस्कुलर बंडल्स दिस डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आई गर्डर्स और यहाँ हम लोग ये जितने भी एग्जाम्पल्स वेस्कुलर बंडल्स के दिखाए गए हैं ये सभी आई गर्डर्स के कॉन्सेप्ट ये अरेंज हुए हैं इसके अलावा एपिडर्मिस के नीचे ये अगर लोअर एपिडर्मिस है तो लोअर एपिडर्मिस के नीचे भी बहुत सारे वेस्कुलर टिश्यूज़ का अरेंजमेंट हम लोग यहाँ देख सकते हैं जो कि आई गर्डर्स के प्रिंसिपल पर काम करते हैं और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और सस्टेन करते हैं लीब्स को फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रेस कंडीशंस डिफरेंट मैकेनिकल स्ट्रेस कंडीशंस एक्चुअली इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैकेनिकल टिश्यूज़ और उसके डिफरेंट प्रिंसिपल्स को देखा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के एनामेल सेकेंडरी ग्रोथ पर बात करेंगे मोनोकॉट में और डाइकॉट में किस तरीके से एनामेल सेकेंड्री ग्रोथ होता है उस विषय पर बात होगी इस वीडियो को देखने के लिए और इतनी देर तक फुली बने रहने के लिए आप सबों का धन्यवाद थैंक यू